हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून। सबसे पहले तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की डेट में कोरोना वायरस हर जगह फैल चुका है, खास के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएस में सबसे ज़्यादा केसेस हैं। आई जस्ट होप कि आप सब लोग ठीक हो, सेफ़ हो, आपकी फैमिली भी सेफ़ है। अगेन इस वक्त हम सब सिर्फ घर पे ही रह सकते हैं, इसके ज़्यादा अभी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ गवर्नमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करना है। सो इसके साथ अगेन अगर आप घर पे हो तो इट्स ऑलवेज़ गुड टू लर्न समथिंग न्यू, एंड इसी लिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस को अब और जल्दी बनाना भी शुरू करूँगा और जल्दी जल्दी इसको अपलोड भी करना शुरू करूँगा। सो आज की वीडियो में हम कुछ नई चीज़ ट्राई करेंगे। इनफैक्ट एक नया प्लेटफॉर्म ट्राई करेंगे जो है एप्पल का, iOS एंड macOS। सो इंट्यून जो एक प्रोडक्ट है वो सिर्फ एंड्रॉयड को या विंडोज़ को ही नहीं एनरोल कर सकता, वो एप्पल के प्रोडक्ट्स को भी एनरोल कर सकता है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल दोनों के दोनों एक तरह से राइवल टेक इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को ये पता था कि एप्पल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड हैं बहुत सारे कॉर्पोरेशंस में, सो उनको इंक्लूड करना पड़ा अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून प्रोडक्ट के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले अगेन कुछ रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया। हमने लास्ट वीडियो में एक टेस्ट क्रिएट किया और एक सैम्पल अकाउंट बनाया जो है वीडियो 2.1, एंड देन थर्ड वीडियो में हमने एनरोल करी एंड्रॉयड डिवाइसेस विद एंड्रॉयड फॉर वर्क। जैसे आपने उस वीडियो में देखा होगा कि कैसे एक नया कंटेनर बन जाता है हमारे एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर, कि आपके पर्सनल जो डेटा है वो अलग रहेगा, जो वर्क डेटा है वो अलग रहेगा। अब एंड्रॉयड फॉर वर्क एक सिर्फ एंड्रॉयड के रिलेटेड ही फीचर है, iOS बिहेव्स डिफरेंटली, और उसके लिए आपको सेटअप भी करना पड़ेगा जैसे हमने एंड्रॉयड फॉर वर्क के लिए किया था। So again, this video is going to be long. Last time की तरह grab your popcorns and let's learn something new. So device enrollment, iOS devices and macOS devices. So सबसे पहले तो iOS devices हमें पता है कि Apple के जो भी products हैं, iPhones हो गए ज़्यादातर, या macOS devices हो गया, iPad हो गए, ये सब iOS devices या macOS devices कहलाए जाते हैं। macOS devices specifically वो जो laptops हैं, iOS हर एक वो device जो portable है, iPad and iPhones ज़्यादातर। So इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमें इस चीज़ को सेटअप करना है, कैसे हम iOS डिवाइसेस को सेटअप करेंगे और कैसे हम डिवाइसेस को एनरोल करेंगे। तो अगेन आगे बढ़ते हैं सीधा डेमो में, बिकॉज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं डिवाइस एनरोलमेंट के बारे में कि वो क्या था। अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, एंड उसके बाद फिर इस वीडियो पे आइए। तभी मैंने एपिसोड 1, 2, 3, 4 के हिसाब से ये किया है। सो अगर आपने कुछ भी मिस किया हो सकता है आपको ये चीज़ ना समझ आए, और प्लीज़ पूरी वीडियोस को देखिए। एंड अगेन एक चीज़ और, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं अपने जॉब के साथ ये वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है टाइम निकालना, एंड जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो प्लीज़ इट ओनली टेक्स अ 1 सेकेंड। एनीवेज इसके बाद आगे चलते हैं कि in this video we'll set up device enrollment for iOS devices such as iPad and iPhones including macOS devices, and then we will go ahead and enroll a device itself. Let's start. So जैसा कि अब आपको पता ही लग गया है, हर डेमो से पहले हम एक लिंक पे जाते हैं, वो है portal.azure.com, और वहाँ से हम अपना इंट्यून पोर्टल को एक्सेस करते हैं। तो ये है वो अकाउंट जो मैंने बनाया था प्रीवियस वीडियोस में, himanshu@indiansinchina.onmicrosoft.com। तो इस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर मैं क्विकली अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। ओके, और ये रहा हमारा इंट्यून प्रोडक्ट। अब जितने भी डिवाइस एनरोलमेंट हो वो सब के सब हमें इस सेक्शन के अंडर ही मिलेंगे, चाहे वो एप्पल एनरोलमेंट हो, एंड्रॉयड हो या विंडोज़ हो। लास्ट वीडियो में हमने एंड्रॉयड किया था, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम विंडोज़ करेंगे। इस वीडियो में हम क्लिक करेंगे एप्पल एनरोलमेंट पे। ओके, अब एप्पल एनरोलमेंट के लिए हमें कन्फिगर करना पड़ेगा MDM पुश सर्टिफिकेट। क्या है ये पुश सर्टिफिकेट, क्यों रिक्वायर्ड है, क्या इसकी ज़रूरत है? देखो, सबको पता है ये, या एक माना जाता है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हैं। वो कैसे हैं? इस सिचुएशन में भी इनफैक्ट मैं कहूँगा कि वो एक तरह से सिक्योरिटी के बेस पे ही चल रहे हैं। ये एक इस तरह का सर्टिफिकेट है जिसके थ्रू एप्पल डिवाइसेस ट्रस्ट करेगा इंट्यून को। तो जब हम ये पुश सर्टिफिकेट कन्फिगर कर लेंगे इंट्यून पे, तब वो आपके डिवाइस को मैनेज कर सकता है, स्पेसिफिकली एप्पल डिवाइसेस को। ठीक है, ये ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाता है। अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कोई भी कमांड्स आप सेंड करोगे, अगर आपके MDM से iOS डिवाइस उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये एक तरह से एक DNA टेस्ट है जिसके थ्रू एक रिलेशनशिप बनता है MDM का, जो इस केस में हमारा इंट्यून है, विद द iOS डिवाइस। सो इस पर क्लिक करते हैं हम, सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड टू मैनेज एप्पल डिवाइसेस। अगेन, ये अगर आपको समझ नहीं आया MDM पुश सर्टिफिकेट क्या करता है, 10 सेकंड पहले जाइए, रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए। ओके, आई नो आप में से कुछ लोग लेजी हैं मेरी तरह, हो सकता है आप में से बहुत लोग नहीं गए हों। मैं दोबारा से बताता हूँ, सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड करने का, ताकि कोई भी कमांड अगर आप इंट्यून से सेंड करोगे वो आपके iOS डिवाइसेस तक पहुँचे और iOS डिवाइस उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, अगर ये पुश सर्टिफिकेट आप कन्फिगर नहीं करते इंट्यून के साथ, तो आपका iOS डिवाइस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब चलते हैं आगे। सो जैसा कि आपको यहाँ पर राइट साइड पता लग रहा है कन्फिगर MDM पुश सर्टिफिकेट सेक्शन में कि इट इज़ नॉट सेटअप, और इसको सेटअप करने के लिए हमें 5 पॉइंट्स को कंप्लीट करना है, जिनमें से सबसे पहला है आई ग्रांट माइक्रोसॉफ्ट परमिशन टू सेंड बोथ यूजर एंड डिवाइस इंफॉर्मेशन टू एप्पल। अगेन, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना माइक्रोसॉफ्ट तक पहुंचेगी ना एप्पल तक पहुंचेगी। जब हम डिवाइस को एनरोल करेंगे, iOS डिवाइस को स्पेसिफिकली, उसमें वो बताएगा कि इंट्यून क्या क्या चीज़ें देख सकता है, क्या क्या चीज़ें नहीं देख सकता, और जो इंट्यून देख सकता है उनमें से कुछ इंफॉर्मेशन ही वो एप्पल तक पहुंचाएगा, ताकि MDM पुश सर्टिफिकेट अच्छे से काम कर सके, सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज आई ग्रांट माइक्रोसॉफ्ट परमिशन टू सेंड बोथ यूजर एंड डिवाइस इंफॉर्मेशन टू एप्पल। अब ये हो गया, मैंने आई एग्री कर लिया, इसको कंप्लीट कर लिया। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में लिखा है डाउनलोड द इंट्यून सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एप्पल MDM पुश सर्टिफिकेट। अब ये एक तरह की एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन है जो आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हो। ये वो एप्लीकेशन जो हम पहले लिखते थे बचपन में, याद है, स्कूल के अंदर टू द प्रिंसिपल वगैरह वगैरह। तो ये एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून की तरफ से कि आप इस स्पेसिफिक अकाउंट को इंट्यून के रजिस्टर कर लीजिए अपने सिस्टम के साथ, जो उनका MDM पुश सर्टिफिकेट का सिस्टम है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे डाउनलोड योर CSR का मतलब सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट, और ये यहाँ पर लेफ्ट साइड डाउनलोड हो गया है इंट्यून CSR नंबर 5, इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी ये 5-6 बार कर चुका हूँ, बिकॉज ऑफ वेरियस टेस्ट आई हैव टू डू। सो अब ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप है हमारा क्रिएट एन एप्पल MDM पुश सर्टिफिकेट। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमें ले जाएगा एप्पल के लिंक पे, और यहाँ पर हमें साइन इन करना है एप्पल ID से। ये एप्पल ID आपके पास होना चाहिए, अगर आपके पास नहीं है आपको क्रिएट करना पड़ेगा और आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट योर्स नाउ। मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। ये है मेरा एप्पल आईडी, पासवर्ड ऑलरेडी फिल्ड इन एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी लॉग्ड इन है, ओके ये एनेबल्ड है तो मुझे अपने डिवाइस के थ्रू इसको लॉग इन करना पड़ेगा और ये डिवाइस जिसके ऊपर ये सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन आया है वो भी एक iOS डिवाइस है। ऑलराइट, सो इसको मैंने अब कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब आपको जैसे दिख रहा है मैं ऑलरेडी इसको बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ मेरे पुराने टेस्ट के लिए जो मेरा काम है। सो एक काम करते हैं, मैं इसको बिल्कुल नए तरीके से करता हूँ। आपको ये तीनों चीज़ें दिखेंगी ही नहीं, ये मेरे पुराने अकाउंट्स हैं जिसको मैं यूज़ करता था, आपको इसको ध्यान नहीं देना। आपको क्लिक करना है इधर क्रिएट अ सर्टिफिकेट, ओके। जब आप इस पर क्रिएट करेंगे यहाँ से सबसे पहले तो आपको इस स्लाइडर को नीचे करना है। अगर आपके पास इतना वेला टाइम है पढ़ लो क्योंकि एमी अगर करना है तो ओके। नाउ आई हैव रेड एंड एग्री टू दोज टर्म्स एंड कंडीशंस एंड देन आई विल एक्सेप्ट। अब यहाँ पर मैं नोट डालूंगा, अब यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं इसको डाल देता हूँ इंडियंस इन चाइना सीरीज। अब यहाँ पर आपको बोला गया है चूज फाइल। अब यहाँ पे आपको वो फाइल चूज करनी है जो माइक्रोसॉफ्ट MDM की तरफ से सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट डाउनलोड करी थी हमने। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। मैं नहीं चाहता आप कहीं पर भी इस चीज़ में आई मीन यू नो कंफ्यूज हो या कुछ भी हो, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। एनीवेज हम यहाँ तक आ चुके हैं, हमने चूज़ फाइल किया, ब्राउज की लोकेशन और ब्राउज के अंदर हमने इंट्यून CSR5 को अपलोड कर दिया यहाँ पर और अब हम करेंगे इसको अपलोड। ग्रेट, यहाँ पर लिखा गया यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ न्यू पुश सर्टिफिकेट। अब एप्पल ने अपना काम कर दिया, एप्पल ने हमारे लिए वो सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया है, लेकिन अभी तक इंट्यून की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं हुई है। वो कब होगी? जब हम इसको डाउनलोड करेंगे और अपलोड करेंगे इंट्यून पे। सो इसको करते हैं हम डाउनलोड। एक चीज़ और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक्सपायरेशन डेट है 2021 तक, ये एक साल तक ही वैलिड होता है। आज डेट है अप्रैल 14, 2020। मुझे नहीं पता है कि ये वीडियो कब मैं एडिट करूँगा, कब मैं अपलोड करूँगा। सो अगेन प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल बिकॉज काफ़ी टाइम लगता है इन चीज़ों में। अगेन लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। ये एक साल के लिए ही अपडेट होता है, अगले साल 2021 से पहले मुझे दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा। सेम यही प्रोसेस है, एग्जैक्टली सेम यही प्रोसेस। तो अब यहाँ पर करते हैं डाउनलोड। अब यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया है MDM_Microsoft Corporation Certificate 4.pem। अगेन मैं ये काफ़ी बार कर चुका हूँ इसलिए नंबर आ रहा है, आपको नहीं आएगा। ओके सो अब हमने स्टेप नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए हैं। अब करते हैं 4th पॉइंट की बात। अब यहाँ पर मुझे वो एप्पल आईडी डालना है जो मैंने यूज़ किया था MDM सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए, MDM पुश सर्टिफिकेट और यहाँ से मुझे वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ओपन एंड देन अपलोड। ओके अपलोड हो गया है एंड जैसा कि आपने देखा हमारा स्टेटस भी एक्टिव हो गया है। अब हमारा यहाँ से कंप्लीट सेटअप हो गया है फॉर iOS डिवाइसेस एज वेल एज macOS डिवाइसेस। अब अगली वीडियो के अंदर, अगले डेमो के अंदर हम चेक करेंगे कि कैसे iOS डिवाइसेस, चाहे वो iPad हो चाहे वो iPhone हो, और वो कैसे एनरोल होगा और उसके बाद हम देखेंगे कि macOS को कैसे हम एनरोल करते हैं। iPad डिवाइस, आपको सबसे पहले ऐप स्टोर पे जाना है, Intune Company Portal सर्च करना है और फिर आपको सिर्फ क्लिक करना है गेट के ऊपर। जैसे ही आप गेट के ऊपर क्लिक करोगे वो आपसे आपका Apple ID मांगेगा कन्फर्मेशन के लिए। जब आप क्लिक करोगे इंस्टॉल पे आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एंड देन यू जस्ट हैव टू ओपन दी एप्लीकेशन। लॉगिन कीजिए उसी अकाउंट से जो हमने एपिसोड 2.1 पे किया था। ये मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रोसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड्रॉयड के टाइम पर। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस हमें बिगिन करना है। यहाँ पर दो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, गेट योर डिवाइस मैनेज्ड एंड अपडेट डिवाइस सेटिंग्स। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आपका डिवाइस एनरोल होगा Intune के अंदर और दूसरा चेक करेगा आपका डिवाइस कि आपका डिवाइस परफेक्ट कंडीशन में है कि नहीं, एंटीवायरस है कि नहीं, वगैरह वगैरह। अब MDM पुश सर्टिफिकेट के टाइम पर मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट कुछ चीज़ें शेयर कर सकता है एप्पल को। वो ये कर सकता है आपका मॉडल, सीरियल नंबर वगैरह वगैरह। एग्जैक्टली सेम चीज़ जो हमने एंड्रॉयड में करी थी। मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा टाइम ना बिताते हुए मैं सीधा क्लिक करूँगा कंटिन्यू पे। कंटिन्यू के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन थोड़े चेंज होंगे एंड्रॉयड से। यहाँ पर आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी आपकी मैनेजमेंट प्रोफाइल। जब आप क्लिक करोगे कंटिन्यू पे आपका सफारी ब्राउज़र ओपन होगा और यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा अलाउ पे। तो यहाँ पर लिखा गया जैसे प्रोफाइल डाउनलोडेड, आपको इसको क्लोज करना है। एक प्रॉम्प्ट आएगा कंपनी पोर्टल ओपन करने के लिए। जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको बताएगा कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। तो आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखेगा प्रोफाइल डाउनलोडेड, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, आपको क्लिक करना है इंस्टॉल, पास कोड देना है, यहाँ जाके इंस्टॉल करना है प्रोफाइल को और फिर ये बोलेगा डू यू ट्रस्ट दिस। जब आप ट्रस्ट करोगे, इंस्टॉल करोगे, ट्रस्ट करोगे, ये पूरी की पूरी प्रोफाइल इंस्टॉल हो जाएगी। डन कीजिए, वापस कंपनी पोर्टल पे जाइए एंड सिर्फ लास्ट स्टेप इज़ टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। जब आप कंटिन्यू पे करोगे क्लिक तो आपका डिवाइस कॉन्टैक्ट करेगा Intune सर्विस के साथ, चेक करेगा, कंप्लीट करेगा प्रोसेस। ये है आपका iOS डिवाइस एनरोलमेंट। ये मैंने बहुत जल्दी बताया, सेम प्रोसेस मैकओएस का थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं उस चीज़ पे अब जाता हूँ। तो ये दो तरीके हैं, या तो आपका जो IT एडमिन है वो आपको ईमेल भेजेगा एनरोल करने के लिए। अगर वो नहीं भेजता, ये कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी का पार्ट है, बट अगेन ये अभी इस चीज़ का स्कोप नहीं है। पॉइंट ये आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी Intune कंपनी पोर्टल ऐप। वो आपको ऐप स्टोर से भी मिल जाएगी, नहीं तो आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा। सिंपल इंस्टॉलेशन करना है मैकओएस डिवाइस के ऊपर। करने के बाद जब आप इसको ओपन करोगे सेम प्रोसेस, आपको लॉगिन करना है अपने अकाउंट के साथ। जब आप साइन इन करोगे एस्टैब्लिश करेगा कनेक्शन ये Intune के साथ। सेम दो स्टेप्स, गेट योर डिवाइस मैनेज्ड एंड अपडेट डिवाइस सेटिंग्स। कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम एंड्रॉयड वाला काम है, एग्जैक्टली वही iOS वाला काम है। यहाँ हमें सिर्फ क्लिक करना है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा वो यही है कि क्या क्या Intune देख सकता है, क्या क्या नहीं देख सकता। पर्सनल चीज़ें आपकी बिल्कुल नहीं देख सकता आपकी कंपनी, तो इस चीज़ में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट जब हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ और स्टेप्स आगे फॉलो करने पड़ेंगे और ये हैं वो कुछ स्टेप्स जो हमें यहाँ पर बताया गया है। क्विकली देख लीजिए, अब ये रजिस्टर कर दिया आपने। अच्छा, ये जो पासवर्ड है ये आपके मैक का पासवर्ड है। अब ये इंस्टॉल करेगा मैनेजमेंट प्रोफाइल, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आपका iOS में किया था। यहाँ पर आपको अप्रूव करना है, तो ओपन सिस्टम प्रेफरेंसेस, ये एग्जैक्टली सेटिंग्स है। जब आप इसको अप्रूव करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा जो मैनेजमेंट प्रोफाइल है और फिर आपको कंटिन्यू करना है। एग्जैक्टली सेम स्टेज, जैसे ही आप डन पे क्लिक करोगे एनरोलमेंट फिनिश। तो ये था iOS और macOS की एनरोलमेंट।